हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए कोन मेहंदी बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। तो आप लोग कैसे वो घर पर बनाओगे वो देख लेते हैं। देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। इस मेहंदी को बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए एक बर्तन। अब बर्तन के अंदर डालना होगा 7 से 8 लौंग और 1 चम्मच चाय पत्ती। चाय पत्ती मैंने यहाँ गूटी चाय लिया है, फ्लेवर चाय मत लेना। फिर उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। पानी डाल देने के बाद अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद इसको चढ़ा दीजिए गैस पर। गैस पर चढ़ा देने के बाद इसको अच्छे तरह से उबालना होगा, कम से कम 3 से 4 मिनट तक। तो जब इस तरह से उबल आ जाएगा तो उसके अंदर डालना होगा 1 तेज़पत्ता और 2 चम्मच शक्कर और डालना होगा 1 चम्मच कॉफ़ी। इससे क्या होगा, मेहंदी का डार्कनेस और भी ज़्यादा आएगा, तो 100% डार्क स्टिंग आपको मिल जाएगा। फिर आप देखेंगे जब पानी इस तरह से कलर आ जाएगा पानी के अंदर, आपको गैस को ऑफ कर देना है और एक छन्नी रख के बर्तन में इसको छान लेना होगा। छानने के बाद इस पानी को पूरी तरह से ठंडा करने के बाद ही इसको यूज़ करना है, तो इसको पूरी तरह से ठंडा कर लीजिएगा। फिर ले लीजिए एक छोटा सा बर्तन। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप कौन सी हेना पाउडर यूज़ करोगी। अगर हेना पाउडर यूज़ कर रही हो तो आपको बर्गंडी लेना होगा, और मैं यहाँ कैरोलिन कंपनी की मेहंदी पाउडर यूज़ कर रही हूँ। ये 100% हर्बल भी है और हेना पाउडर की प्राइस है 30 रुपये और मेहंदी पाउडर की प्राइस है 40 रुपये। तो मैं यहाँ थोड़ा सा मेहंदी पाउडर डाल लेती हूँ। फिर इसके अंदर डालना होगा चाय पत्ती की पानी। पानी को डालने से पहले इसके अंदर 2 चीज़ आपको डालना होगा, वो है 1 चम्मच शक्कर और 1 चम्मच नींबू के रस। अब आपको क्या करनी है, चाय पत्ती की पानी को थोड़ा थोड़ा आपको मेहंदी के अंदर मिक्स करना है। एक साथ ज़्यादा नहीं देना है, थोड़ा थोड़ा करके आपको देना है, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा टाइट। फिर इस मेहंदी को ढक के रख दीजिए पूरी ओवरनाइट। आप रात में इसको करके पूरी ओवरनाइट इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। अगले दिन सुबह उठ के आप देखोगे ऊपर की साइड थोड़ा सा टाइट हो गई है। तो आपको इसे क्या करनी है, अच्छे से मिक्स करनी है 2 मिनट तक। अच्छे से मिक्स करने के बाद ये एकदम रेडी हो गई है। अब क्या करूँगी, अब मैं आपको कोन कैसे बनाऊँगी वो दिखाती हूँ। तो मेरी घर पे ये प्लास्टिक पड़ी हुई थी, आप जो भी प्लास्टिक में करना चाहती हो इसी टेक्निक से अगर आप करोगी तो आपके घर में आसानी से कोन बन जाएगी। तो इस तरह से एक कॉर्नर से आपको इस तरह राउंड घुमाना है। आप देख सकते हो वीडियो में मैं कैसे कर रही हूँ, बहुत ही आसान है दोस्तों। जब आप इस तरह से राउंड करोगी तो आप देख सकते हो अपने आप ही होल बन गई है। तो जितना आप टाइट करोगी उतना ही होल छोटा होता जाएगा, आपकी मनपसंद आप उतना ही टाइट कर लीजिएगा। फिर आपको क्या लेनी है, एक सेलो टेप लेनी है और सामने हिस्से पर एक सेलो टेप से आपको इसे चिपकाना है। तो इस तरह से एक सेलो टेप मैं सामने दे दी हूँ। अब क्या करनी है, पिछले हिस्से पर भी टाइट करके आपको यहाँ पर भी सेलो टेप लगाना है। तो भी दोस्तों बन गई है मेरी कोन। तो कितना आसानी से मैं ये कोन बना के आप लोगों को दिखाई है। अगर वीडियो अच्छा लग रही है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना दोस्तों। अब ये पिछले हिस्से से आप मेहंदी को डाल दीजिएगा और अपने मनपसंद डिज़ाइन अपने हाथों पर पहन लीजिएगा। डालने के बाद आपको क्या करनी है, इस तरह से मोड़ के यहाँ पर भी एक सेलो टेप लगा देनी है। तो फिर हो गई ना एकदम मार्केट जैसा मेहंदी कोन। अब अपनी मनपसंद डिज़ाइन अपने हाथों पर बना लीजिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपने मनपसंद आप तो डिज़ाइन बनाओगे, लेकिन आपको क्या करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा मेहंदी आपको देना है, पतला नहीं करने के देना है, थोड़ा सा ज़्यादा मेहंदी लेके आपको डिज़ाइन करना है। फिर आप 2 घंटे मेहंदी को अच्छे से सुखा लीजिएगा। सुखाने के बाद आपको नींबू पानी देके फिर उसको 5 मिनट रख के उठाना है, तो फिर आपको बहुत अच्छा एक कलर मिल जाएगा दोस्तों। तो मैंने कोन पर मेहंदी डाल लिया है, तो आप देख सकती हो कितना अच्छा लग रही है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ हाथों में देकर आपको दिखाती हूँ दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक शेयर कर देना। तो आज के वीडियो इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए बाय बाय।